हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रांजल अग्रवाल एंड मैंने इस ईयर नीट 2023 में आई गॉट रैंक AIR 4 विद मार्क्स ऑफ 715 आउट ऑफ 720 एंड आई हैव गॉट सम ऑफ द क्वेश्चंस नीट एस्पिरेंट्स के कुछ कॉमन पूछने वाले क्वेश्चंस जो जनरली एक प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के मन में होता है. सो आई एम गोइंग टू आंसर सम ऑफ देम. जनरली वी काइंड ऑफ कैटेगराइज इट कि एक दिन में इतने क्वेश्चंस करें तो हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज. जब भी आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस आप तैयारी कर रहे हो, इट इज़ अबाउट कि आपने कितना अच्छे से उस टॉपिक को समझा है. आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हो तो इट्स नॉट ऑलवेज कि क्वेश्चंस ही आपको हेल्प करेंगे. यू नीड टू बी वेरी मच गुड विद द थ्योरी, उसके बाद यू गो विद द क्वेश्चंस एंड वो उतने होने चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. You need to go with the each and every topic of the concept. Like supposingly, अगर आपने ग्रेविटेशन उठाया है, you will not be like 100 questions ग्रेविटेशन की कर लिया है. You need to go with each and every topic of the gravitation and then you will be seeing कि हर topic में से आपने adequate amount of questions attempt कर लिए हैं, ताकि उस type का अगर question दोबारा आए आप उसको गलत नहीं कर रहे. See, study is never a parameter. You should not be like too much light with your studies कि आज दो लेक्चर छोड़ दिए, तीन लेक्चर छोड़ दिए एंड बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है. एंड यू शुड ऑल्सो नॉट बी टू मच ओवरबर्डन विद योर स्टडीज़ की पढ़ते जा रहे हो एंड ओवर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो. यू शुड हैव अ बैलेंस विद स्टडिंग इज़ नॉट. मैं इसको आज में स्पेसिफाई करना चाहूँ कि रोज़ 4 घंटे पढ़ो या रोज़ 8 घंटे पढ़ो. वॉट यू नीड टू डू इज़ कि रोज़ का काम रोज़ पूरा करो. दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज अगर आप अपनी चीज़ में बैकलॉग क्रिएट करोगे वो आगे जाके आपको ही ट्रबल करेगा, क्योंकि आज थोड़ा बैकलॉग है कल वो डबल हो जाएगा. बैकलॉग हमेशा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, वो कभी भी आपको इस सिचुएशन में नहीं डालेगा कि आप उसे रिकवर कर सकें. अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो इट इज़ लाइक कि चैप्टर्स जो ऑर्गेनिक में आते हैं दे ऑफ कोर्स रिक्वायर रिवीजन. लाइक मुझे मेरे टीचर ने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी कि फ्रॉम द डे वन ऑफ द ऑर्गेनिक आपको जो भी सिखाया गया है ना आप उसको डे वन से रिवाइज करोगे. लाइक अगर मुझे सेकेंड डे पे कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं तो मैं ऐसा नहीं सिर्फ सेकेंड डे का पढ़ रही हूँ, मैं डे वन का भी पढ़ती थी फिर सेकेंड डे का पढ़ती थी. डे थ्री पे डे वन टू एंड थ्री एंड डे फोर पे डे वन टू थ्री एंड फोर एंड ऐसे उसको इकट्ठे करते जाओ. बिकॉज लाइक जब आप डे फाइव पे आओगे यू विल नॉट बी स्पेंडिंग लाइक सेम वन आवर ऑन दैट डे वन, इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स. वो आपको कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा कर देगा विद टाइम. और इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस की बात करें तो केमिस्ट्री में इज़ लाइक कि एक पॉइंट आता है कि व्हेन वी थिंक लाइक केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक बायोलॉजी, स्पेशली जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है हम उसको रटते रहते हैं. ऐसा नहीं करना होता है. यू शुड गो विद द कॉन्सेप्ट्स. आप एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो एंड उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बिकॉज नीट हैज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न कि वो कुछ ही तरह के क्वेश्चंस बारी बारी पूछता है. यू नीड टू गेट विद द पैटर्न. अगर आप वो चीज़ क्रैक कर पाते हो आपको पता लग जाता है कि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं और मुझे ये चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो जो साइडलाइन टॉपिक्स होते हैं आप उनको अपने आप से एलिमिनेट कर देते हो. सी, NCERT इज़ लाइक बाइबल, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हो. ठीक है, इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा बुक्स की बात करो तो लाइक आई एम पर्सनली अ फिज़िक्स लवर, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत सारे कर लूँ. तो HC Verma जो मोस्टली बच्चे उठाते हैं, मैंने भी ट्राई की थी, बट अगर मैं नीट लेवल पे बात करूँ उसका आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला है. बिकॉज जो नीट का करंट पैटर्न जा रहा है दे आर नॉट गोइंग ऑन विद सम हार्ड क्वेश्चन और विद सम लॉजिकल क्वेश्चन और विद समथिंग लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे आर गोइंग ऑन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. सो आप अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मत जाओ, क्योंकि ऐसा ना हो आप हार्ड क्वेश्चन करते रहो और सिंपल ना हो पाएँ, बिकॉज दैट्स ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं. लेकिन इसके अलावा अगर आपको केमिस्ट्री की बात करनी है तो केमिस्ट्री में मैंने तो अपने टीचर के नोट्स पे बहुत ज़्यादा स्टिक किया था. NCERT भी मैंने बहुत लेट उठाई थी केमिस्ट्री की, बट लाइक इनऑर्गेनिक के लिए तो यू कैन नॉट स्किप इट. इनऑर्गेनिक के लिए यू शुड लाइक रीड इट जस्ट लाइक यू आर डूइंग समथिंग बायोलॉजी सॉर्ट ऑफ थिंग. यू कैन नॉट मिस इवन अ सिंगल टॉपिक. बट इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक ऑर्गेनिक्स सॉरी इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक फिजिकल केमिस्ट्री यू कैन स्किप NCERT, बिकॉज NCERT समटाइम्स डिफाइनिंग थिंग्स इन लॉट ऑफ डेप्थ दैट विच यू डू नॉट रिक्वायर एक्चुअली.
तो आप उसको स्किप कर सकते हो. बेटर गो विद द नोट्स जो आपके टीचर्स ने आपको दिए हैं, बिकॉज दे आर बेटर डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट्स. इसके अलावा बायोलॉजी इज होल एंड सोल एनसीईआरटी. डू नॉट गो टू लाइक डू नॉट इवन ट्राई टू गो फॉर एनी अदर बुक, बिकॉज वॉट दे आर कमिंग डाउन विद द पैटर्न इज लाइक दे आर गोइंग ऑन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ बायोलॉजी. दे विल जस्ट सिंपली शिफ्ट अ सिंगल वर्ड इन द सेंटेंस एंड द सेंटेंस विल कम फॉर ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, सो यू शुड नॉट स्किप इट एट ऑल एंड डू नॉट ट्राई टू गो फॉर बुक्स दैट आर डिराइव फ्रॉम एनसीईआरटी. लाइक बच्चे बहुत गलती करते हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं बट उन बुक्स को पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं. कोई फ़ायदा नहीं है. बेटर गो फॉर एनसीईआरटी बट यू कैन डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग. अगर आप आपके टीचर्स से कंसल्ट करते हो, वो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझा देंगे. यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बट डू नॉट स्किप एनसीईआरटी. So it's the most critical part. ठीक है, आई सजेस्ट यू टू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, बिकॉज इफ यू आर हैविंग गुड फ्रेंड्स यू डो नॉट इवन फील लाइक कि हाँ मैं एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में हूँ. लाइक यू शुडंट हैव द फ्रेंड्स लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट ये काम रह गया वो काम रह गया. ठीक है, एवरी वन हैज़ दैट एंगजाइटी बट वेन यू आर विद योर फ्रेंड्स ना ट्राई टू चिल इन द इन्वायरमेंट. आई एम नॉट सेइंग कि लाइक सारा सारा दिन मजे करते रह गए एंड यू आर स्किपिंग ऑल द फन एंड ऑल. What you need to do is like during the dinner time when you are meeting or your friends or especially for hostlers, I'm saying like during the dinner time they meet or during the breakfast or during the time you are in the coaching in between the breaks, to do chill with your friends. You will not get the sufficient time. Like you will see your friends who are in other streams and you will be like, wow, they are chilling the entire day, they are roaming here, they are going around. You will not get that time. But the thing is like, have a slot to chill with your friends because they are the ones that will keep you motivated. Besides this, it's very important to talk with your family because it is something that a person living in hostel especially misses. What they do is that they do not talk to their family and they just keep on pestering themselves like, oh, आज इतना काम रह गया, आज इतना काम रह गया है, घर पे क्या बताऊँगा कि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ. It's not like this. ठीक है, योर पेरेंट्स आर देयर टू हेल्प यू आउट, योर टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट. टॉक विद देम, कम्युनिकेशन इज द की. सी, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर गोल टू प्रैक्टिस. व्हाट यू नीड टू डू इज लाइक गिव योर बेस्ट एवरी टाइम. यू शुड हैव अ डिसाइडेड टारगेट इन योर माइंड. लाइक इफ यू आर इनिशियली स्कोरिंग लाइक 630, 640, नेक्स्ट टाइम ट्राई फॉर 20+, 650, 670. नेक्स्ट टाइम जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग द गोल बट डू नॉट इंक्रीज इट लाइक टुडे यू आर एट 400 एंड यू आर इमेजिनिंग लाइक आई विल बी स्कोरिंग 720. इट इज़ नॉट गोना हैपन इन अ सिंगल डे. जस्ट मेक सम प्रैक्टिकल गोल्स फॉर योर सेल्फ. ट्राई टू इम्प्रूव सेक्शन बाय सेक्शन, पार्ट बाय पार्ट. You cannot do it in one day, okay? But you will do it. So it's a very good point actually you should focus on, because mostly people, they study a lot but they do not know how to attempt the paper. So what you need to do is like the strategy which works for everyone generally is that start with biology, then chemistry, then physics. But there are some people who are very much good at physics, so they go with physics and then they come to chemistry and biology. But I'll suggest that even if you are good at physics, do not go for physics first, because biology is something you are going on with your memory. Once you are done with some logical reasoning in the physics, it is quite probable that you will forget your concepts when you are coming towards biology because of the anxiety you have it in the physics. So it's generally advisable to go for biology first, but it all depends on you, because some people, they are very bad at attempting biology first. And it is very important that you adjust it with the difficulty of the paper, because what happened with our seniors was that the paper and biology was so much lengthy that they didn't get time for chemistry and physics, though it was so easy. So those people who secured better, which happened with them was that the people that those who had skipped biology in between and then they shifted towards chemistry and physics and they returned back to biology. You need to manage it with the time, and that you will surely learn with the repeated test series that you will be giving towards the end of your preparation. See, for physics, it is good to go with numericals. It is in fact a very good method of studying, because at a point you feel like I am good, okay with theory, like
during the time when you're revising your plus one syllabus at the last. What happens is like you have revised your plus one so many times that now you feel like ki, I am good okay with my notes, like I know the concepts. So us time pe aapne kya karna hai, just shift to numericals. Get up some previous year papers, get some mock tests, some series that you may get online, something that your seniors might have attempted, or get some coaching material, ask from them, they'll provide you with plenty of questions. They, like, questions are not less at all. Okay, you have a lot of questions. So just go on with them, practice them, you'll surely ace at it. Because practicing questions, it just gives your mind a reverse algorithm. Okay, what happens is like your mind now starts to know ki haan ye maine padha tha aur ye aise kiya gaya tha, so you are better going at it rather than going with the same method again and again. Because NEET ke exam mein you'll be getting random questions, you'll not be getting like ki tumhe pehle padhaya jayega fir tumhe question pucha jayega. NEET mein ultimately what you are going to face is random questions, so go with the random questions only, but that is towards the end. Do not try to do it in the starting because that will demotivate you highly, because you will see your marks going from 180, you will see them dropping down to 40 and 50. That will highly demotivate you. But yes, you will from that 40-50 also you will increase gradually, because you need to know that everything will happen but with time. You will not do it in a single day, but you will do it. But what you need to do is you need to maintain the consistency. So it's a good approach to go with the numericals, but towards the end. I will not recommend it in case of NEET. Like for many exams it works, like because when you are studying multiple books you are getting the concept through the view of different authors, but it's not good for NEET because we know that NEET is based on NCERT and that's what you need to do. So it's better to revise NCERT multiple times rather than going for different books. Especially I was even at a fault at it because I had not studied organic NCERT even towards like a month before the NEET, because I felt like I was very much good with my notes. But then when I saw the previous year questions, then I realized ki I should have studied it better. But it's okay, like in the NEET syllabus they are not asking a lot about the mechanisms. They are going on with some gross reactions which you will figure out as you will practice previous year questions. You will come to know that these are some of the gross reactions that they are asking, so you will get at it. Like maintaining concentration on your studies, what the best thing you can do is like get away from all these gadgets for at least for these 2 years. Like even I was not even touched with all these electronic gadgets during this time. What we used to had like it was not even allowed in our institute. So what we used to have with us was a small keypad phone just to contact with our parents. But that will be very much helpful for you because this social media world will just be a good kind of distraction for you. If you want to ace at it, you will have to sacrifice something for at least these this time period. Next, you would like to, in order to maintain concentration, like the best thing that you can do is try to meditate. It is very difficult, I know that you cannot do at it. Like it is actually very difficult. We sometimes feel like we just have to sit and close our eyes. It's not like this. It is actually very difficult, and even I too started doing it in the last week near the NEET, because as I was suggested by my parents, because it helped me a lot. It helped me improve my focus towards the studies, because when you sit quiet and you try to observe the situations, you get better solutions for them. What you can avoid during preparation is, the best thing is stop being a pessimist. Do not talk negative about yourself. You can do it. Everyone will do it, because it is not something like no one has done ever. Everyone is doing it. A lot of people get through NEET. You will also surely get through it. But the thing is, like, if you are constantly saying about yourself, no, I can't do it, this won't happen, so that will surely hamper your performance. And one more thing that you need to keep in mind is, do take breaks. Some people, they are like constantly studying and they store a lot of things which is beyond the capacity of the brain, and what ultimately happens is that they forget everything. They are not even able to perform what they can do even if they were like studying at an okay pace. So what you need to do is that do take breaks, but
make sure that these breaks are not like you have decided for 5 minutes and then you are spending 2 hours on reels. That's not the thing that you have to do. Take breaks, adequate amountly breaks, just to refresh your mind. Okay, so we are done with the questions. In case अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई question मैं नहीं answer कर पा रही हूँ या कुछ मैंने नहीं किया, just mention them in the comment section. By the time, just keep preparing, do your best, you will do it. And so पढ़ते रहो, let's crack it.